Hey guys, what's up? Welcome or welcome back to this खुराफाती channel of yours. I am Priyanka और ये video है jewelry collection part 2. तो अगर आप लोगों ने part 1 नहीं देखा है तो मैं link description box में डाल दूंगी. Please go check out the part 1 जिसमें silver jewelry की collection मैंने share की है. और इस part में मैं आप लोगों के साथ share करने वाली हूँ मेरी western jewelry की collection. So without any further delay, let's quickly start this video. सो वेस्टर्न ज्वेलरी की कलेक्शन का मेरा पहला सेट ये है जो कि ग्रेश कलर का है, जिसमें कि एडी स्टोन का बिग स्टोन का वर्क है और ये कुछ इस तरीके का दिखता है. बहुत ही प्रिटी लगता है. आप इसे वाइट शर्ट के साथ, ब्लैक शर्ट के साथ या फिर किसी भी वेस्टर्न वन पीस के साथ भी आप कैरी कर सकते हो. बहुत ही लाइट वेटेड है एंड सबसे बड़ी बात कि दिस आई गॉट फॉर ओनली 100 रुपीज़. और इसे मैंने तिलक नगर मार्केट से बाय किया था. अगर आप लोगों ने मेरी तिलक नगर मार्केट और आर्य समाज मार्केट का की वीडियो नहीं देखी है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट. बहुत ही लाइट वेटेड ज्वेलरी और बहुत ही प्यारी प्यारी ज्वेलरी वहाँ से देखने को मिल जाती है. सो माई सेकेंड कलेक्शन इज़ दिस. दिस इज़ अ रेक्टेंगुलर हुप. और ये हुप्स तो आजकल हर लड़कियों के कलेक्शन में आपको मिलता ही मिलता और होना भी चाहिए, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो, सर्कुलर हो या फिर स्क्वायर शेप के हो, ट्रायंगुलर हो. बहुत सारे स्ट्रक्चर में आजकल हुप्स आ रहे हैं. सो आई गॉट दिस और इसके साथ मैं दो और हुप्स लेके आई थी जो कि आगे आपको देखने को मिल जाएगा. एंड दिस आई गॉट फॉर ओनली 30 रुपीज़. तो आजकल अगर आप कुछ भी समझ नहीं आ रहा आपको कि आप कौन सी इयररिंग कैरी करो तो जस्ट गो फॉर हुप्स एंड दिस इज़ बेस्ट. सो थर्ड कलेक्शन में अगेन एक हुप है जो कि सर्कुलर है और इस हुप की खासियत है कि ये हैंगिंग हुप है तो इसे आपको पहनना बहुत ही इजी है. और मैं तो इसे अपने बैग में हमेशा ही रखती हूँ कि कभी भी अगर कुछ ड्रेस चेंज करना पड़ गया या फिर कुछ भी ऐसा मेरी इयररिंग टूट गई तो ये किसी भी ड्रेस के साथ जाता है और बहुत ही लाइट वेटेड होने के कारण बहुत ही मुझे पसंद है. एंड दिस आई गॉट फॉर 50 रुपीज़ आई गेस. या 50 रुपीज़. सो नेक्स्ट कलेक्शन इज़ दिस. दिस इज़ आई जस्ट लव दिस इयरिंग यार. लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस इयरिंग जो कि ट्रायंगुलर शेप का लेयर बाय लेयर इयरिंग है और इसमें जो कलर कॉम्बिनेशन है ना आप देख सकते हो इतना बेहतरीन कलर है इसके. और लाइट वेटेड तो है ही, मतलब आपको देख के भी लग रहा होगा कि कितना लाइट वेटेड है, बट इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है ना मुझे ये खासकर बहुत पसंद आया. और दिस आई गॉट फॉर 100 रुपीज़. या दिस आई गॉट फॉर 100 रुपीज़. और इसे भी मैंने मार्केट से ही बाई किया था. आई थिंक मुंबई के किसी मार्केट से बाई किया था. सो 100 रुपीज़ में मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था और इसे भी मैं बहुत सारे ड्रेस के साथ कैरी करती हूँ. अनदर पेयर ऑफ इयरिंग इज़ दिस. दिस आई गॉट फॉर 100 रुपीज़. यस. और ये मुझे बस एक झलक में यूँ चलते फिरते हुए पसंद आ गई थी. आई वॉज़ लाइक कि वाओ, मतलब ये गोल्डन कलर की है और इसे आप वेस्टर्न वेयर के साथ ही कैरी कर सकते हो. वैसे इंडियन वेयर के साथ भी जाएगा बट मोस्ट प्रोबेबली आप वेस्टर्न वेयर के साथ इसे कैरी करो, ज़्यादा बेहतरीन लगेगा. और ऑफ शोल्डर टॉप के साथ तो बहुत ही प्यारा लुक देता है, बहुत ही प्यारा. एंड या इसे भी मैंने तिलक नगर मार्केट से ही बाय किया था तो बहुत ही मुझे प्यारा सेट लगा, बहुत ही प्यारा. और लाइट वेटेड इतना बड़ा इयरिंग होने के बावजूद भी इसका वेट बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड है. सो आई जस्ट लव दिस. अनदर पेयर ऑफ इयरिंग इज़ दिस. दिस इज़ अगेन अ हुप. मैंने आपको बोला ये मुझे हुप्स बहुत पसंद आते हैं, अगर वेस्टर्न वेयर की बात हो तो हुप्स इज़ लाइक द बेस्ट. तो इसे भी मैंने ओनली 30 रुपीज़ में बाई किया था आर्य समाज मार्केट से, जो कि मैंने वीडियोज़ में भी कवर कर रखा है आर्य समाज और तिलक नगर मार्केट को. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है. तो दिस आई गॉट फॉर, दिस इज स्क्वायर शेप हुप जो कि मुझे बहुत पसंद आया. तो और हुप्स का की कलेक्शन तो अच्छी खासी मेरे पास हो गई है, यू नो, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, स्क्वायर शेप, ट्रायंगुलर, बहुत सारी हुप्स हैं मेरे पास. तो आई जस्ट लव दिस. और हर लड़कियों के पास एक हुप होना चाहिए, सस्ता, सुंदर, टिकाऊ, है ना. सो या चेक इट आउट. अनदर इयरिंग इज़ दिस. दिस ये आपको मैं बता नहीं सकती है कितना पुराना इयरिंग है मेरे पास. आई थिंक ये 7 to 8 years ओल्ड इयरिंग है ये मेरे पास, बहुत ही पुराना है. एंड लुक द ब्यूटी ऑफ दिस. आज भी इसकी ब्यूटी बरकरार है. ये भी मेरे वन ऑफ द बेस्ट फाइनेस्ट कलेक्शन में से एक है. मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये. एंड दिस आई गॉट पेज. यस यस, 150 रुपीज़. इसे आप किसी भी ऑफ शोल्डर टॉप या फिर शर्ट या डेनिम किसी भी कपड़े के साथ आप पेयर कर सकते हो. बहुत ही लाइट वेटेड एंड बहुत ही प्यारा सेट है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले जस्ट गो एंड बाई इट. बहुत ही प्यारा सेट है.
और मेरी नेक्स्ट ईयरिंग की कलेक्शन में जो ईयरिंग है ये अभी मेरी रिसेंट बाई है, ये हुप्स आप देख रहे हो, ये मेरी अभी रिसेंट बाई की कलेक्शन है। और आजकल ऐसे ना ये सीप वाले ईयरिंग्स बहुत चल रहे हैं, इसे मैंने एक दो वीडियो में भी पहना हुआ है, मुझे आजकल ये करंट फेवरेट मेरा बना हुआ है। और इसे मैंने क्राफ्ट मार्केट से बाई किया था, यस दिल्ली में यूनिटी वन के पास एक क्राफ्ट मार्केट लगता है जनकपुरी में, वहाँ से मैंने इसे बाई किया था और मुझे बहुत ही प्यारा लुक देता है ये, बहुत ही प्यारा ईयरिंग है। और बहुत जल्दी मैं इसका हॉल ये भी लेकर के आ रही हूँ, मार्केट का व्यू भी लेकर के आ रही हूँ, आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी कि क्या क्या कलेक्शन वहाँ पे है। एंड दिस आई गॉट फॉर 150 रुपीज़, और आज की ट्रेंड के हिसाब से ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है, लाइट वेटेड भी है और आप देख ही सकते हो फेस पे कितना प्यारा लगता है, और जिसका भी भारी फेस है लाइक मी तो उनके फेस पे तो काफ़ी प्यारा लगता है। वेस्टर्न वेयर हो इंडियन वेयर हो आप इसे कैरी कर सकते हो, बहुत ही प्यारा सेट है। सो या नेक्स्ट ईयरिंग इज़ दिस, दिस आई गॉट फ्रॉम मुंबई, और मुंबई के मार्केट से मैंने इसे बाई किया था, आई डोंट नो मतलब मुझे एग्जैक्ट नेम याद नहीं है उस मार्केट का, बट यस वहीं से मैंने इसे बाई किया था। एंड दिस आई गॉट फॉर 150 रुपीज़ अगेन, और इसका वर्क ना इसमें कुछ इसे बोलते हैं, मतलब जब मैंने बाई किया था तो मुझे पता था बट अब मैं भूल चुकी हूँ कि इसका इसके वर्क को क्या बोलते हैं। ये जो आप देख सकते हो इसमें ऊपर में जो ट्रायंगुलर शेप्स में जो वर्क है ना, इसे कुछ नाम से बोलते हैं, और बहुत ही प्यारा सेट है ये, और मैंने इसे काफ़ी पहना भी है, और वन ऑफ द मेरे कलेक्शन में ये एडेड है। दिस आई गॉट फॉर 150 रुपीज़, यस आई टोल्ड यू अगेन। तो सो या दिस इज़ द लव, और इसे आप वाइट शर्ट के साथ कैरी कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज़ दिस, दिस इज़ अ ट्रैंगुलर शेप इयरिंग, और इसे मैंने सिर्फ 30 रुपीज़ में बाई किया था, तिलक नगर मार्केट से अगेन मैंने इसे बाई किया था। ये बिग स्टोन वर्क में आता है और बिग स्टोन वर्क भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में रहता है, और ये ऑफ ट्रेंड कभी होता ही नहीं है, चाहे वो ब्लैक स्टोन हो या फिर इस टाइप का स्लेटी कलर आप इसे बोल सकते हो, या फिर गोल्डन, इसमें मिक्सअप है ब्लैक स्लेटी एंड गोल्डन कलर का। इस टाइप के कलर्स या फिर आप किसी भी कोई भी अगर स्टोन वर्क हो ना तो वो कभी भी ऑफ ट्रेंड नहीं होता है और आपको चीपेस्ट रेट पे मिल भी जाता है। यस और बहुत ही प्यारा लुक देता है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट ईयरिंग इज़ दिस, दिस इज़ अ वाइट स्टोन ईयरिंग, और एडी नग में ये ईयरिंग है, और हर लड़की के कलेक्शन में ये इयरिंग आपको मिल जाएगा, चाहे वो छोटी लड़की हो या फिर बड़ी लड़की हो, हर लड़की के कलेक्शन में ये मिलता ही मिलता है। अगेन आई बॉट दिस फॉर 50 रुपीज़, यस आई यस 50 रुपीज़ में मैंने इसे बाई किया था, और या सिंपल श्योर इयरिंग है, मतलब कुछ भी समझना है डेली वेयर पे आप इसे कैरी कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ दिस, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है, ये मुझे लिटरली ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। जब मैंने इसे बाई किया था तो मैंने मुझे नहीं लगा था इतना प्यारा लगेगा फेस पे, बट लुक एट दिस गाइज, मतलब आपको खुद दिख रहा होगा कितना प्यारा इयरिंग है। लाइट वेटेड तो बहुत ही ज़्यादा है और प्राइस के हिसाब से भी बहुत ही फाइन है, मतलब 50 रुपीज़ में मुझे इसे मैंने इसे बाई किया था। बहुत ही प्यारा इयरिंग है और इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा पहना है, यू नो ऑफिस वेयर लड़की हो या फिर कोई भी इस टाइप की इयरिंग अगर आप कैरी करते हो बहुत प्यारा लुक देता है। सो नेक्स्ट इज़ दिस, दिस इज़ अ ब्लैक स्टोन ईयरिंग अगेन, इसे मैंने सिल्वर ज्वेलरी में भी आई थिंक दिखाया था, बट या आप इसे वेस्टर्न वेयर के साथ ईजिली कैरी कर सकते हो। सो मैंने इसे अपने लास्ट बर्थडे पे कैरी किया था, मुझे बहुत ही प्यारा लगता है ये इयरिंग, और 50 रुपीज़ में आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट डील। और या सो मैंने इसे आर्य समाज मार्केट से बाई किया था, ब्लैक ब्लैक शर्ट के साथ या फिर ब्लैक टॉप के साथ आपको ये लुक बहुत ही प्यारा देता है, सो आई जस्ट लव दिस। नेक्स्ट कलेक्शन में ये है, ये थोड़ी सी अलग टाइप की इयरिंग है, मतलब इसमें ना तीन इसके पार्ट्स आते हैं, बिल्कुल ही सारे ही पार्ट्स इसके अलग अलग हो जाते हैं, तो मुझे इसका ना ये जो मतलब फॉर्मूला है ये मुझे बहुत ही पसंद आया। यू नो, जो एक सामने जो एक लाइन है जो कि आपके ईयर के आगे शो होती है ये डिफरेंट है, इसके नीचे जो एक सर्कुलर हुप जैसा लटकता है वो डिफरेंट है, और पीछे जो ट्रायंगुलर शेप है इसे आप मतलब इससे आप क्लोज़ करते हो इसको, ये डिफरेंट है, तो ये कॉम्बिनेशन में इस तरीके का लगता है, आप इसे चाहो तो अलग अलग करके भी पहन सकते हो, बहुत ही प्यारा लुक देता है। और ट्रस्ट मी गाइज, आई जस्ट लव दिस, जब मैंने इसे बाई किया था ना तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, एंड दिस आई गॉट फॉर 50 रुपीज़। लाइट वेटेड होने के साथ साथ आपको आसपास के लोगों के कानों में ये नज़र भी नहीं आएगा, तो जस्ट फन है इसे पहनना, इसे देखना और इसे कैरी करना।
सो आई जस्ट लव दिस। आपके कलेक्शन में इस टाइप का कुछ एडवेंचरस ईयरिंग होना चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर द वीडियो गाइज। आप लोग को आई एम 110% श्योर कि आप लोग को ये वेस्टर्न ज्वेलरी कलेक्शन का पार्ट अच्छा ही लगा होगा। और अगर इनमें से कोई ईयर रिंग्स आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक दे दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए, ताकि जो भी वेस्टर्न ज्वेलरी की कलेक्शन रखना चाहते हैं या फिर सिल्वर ज्वेलरी की रखना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम ये वीडियोस दिखे। सो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ मैं, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए और बस दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच। नमस्ते।